नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे इतिहास या हिस्ट्री से संबंधित। आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे और उनके आंसर्स। ये सभी क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव रूम में हैं। कैसे हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो अभी तक हम लोग 200 क्वेश्चंस आपके ख़त्म कर चुके हैं। 201 से हमें बात करनी थी। 201 का क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछ लिया परीक्षाओं में, ठीक है? याद रखना, महत्वपूर्ण है। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना, जे बी किपलानी। क्वेश्चन है हमारा दूसरा, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो ये थे आपके सर सीरिल रेडक्लिफ। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? उड़ीसा आपका बिहार से 1930 में पृथक हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका बी है। क्वेश्चन है हमारा 4, क्या है क्वेश्चन? सेडलर आयोग का संबंध किससे था? तो ये था शिक्षा से। सेडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। क्वेश्चन है हमारा 5, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो ये थी आपकी बेलेसली। बात करते हैं छठवें क्वेश्चन की, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन। ए ऑप्शन सही है। बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की, किसने कहा था, मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? तो ये कहा था आपके लाला लाजपत राय साहब ने। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 8, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका संबंध था? तो इसमें आपकी भारतीय दलित वर्ग का। नौवा क्वेश्चन है, किसने प्रसिद्ध चिटगांव सस्तागार धाबे को आयोजित किया था? तो जो आपका चिटगांव सस्तागार था, इससे संबंधित कौन थे आपके? सूर्य सेन। जय प्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से। क्वेश्चन है हमारा 11, वर्ष 1946 के में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू साहब। क्वेश्चन है हमारा 12, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो ये थे आपके ईश्वरचंद विद्यासागर। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 13, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो ये आपके थे सरदार पटेल साहब। क्वेश्चन है हमारा 14, स्वदेशी वाहिनी के संपादक कौन थे? तो ये थे आपके के रामकृष्ण पिल्ले। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका सी है। क्वेश्चन है 15, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो ये थे आपके
लॉर्ड रिपन। कौन थे? लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन है हमारा 16, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संबंध पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग आपका सक संबंध पर आधारित है। क्वेश्चन है हमारा 17, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आपका आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। क्वेश्चन है 18, लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन है हमारा 19, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। बात करते हैं हम लोग 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो ये था आपका गियासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन है हमारा 21, क्या है क्वेश्चन? पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? कल्लर ने। 21 में आपका ए है। क्वेश्चन है हमारा 22, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो ये था आपका महमूद गजनवी। 22 में आपका डी है। क्वेश्चन है हमारा 23, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो ये था आपका अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन है हमारा 24, राज्य संबंधों में उलेमा की दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो याद रखना है ये था आपका अलाउद्दीन खिलजी या खलजी। क्वेश्चन है 25, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था हुआ? तो पंजाब के खोखर जाति के विरुद्ध। क्वेश्चन है 26, तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो ये था आपका नसरुद्दीन महमूद तुगलक। क्वेश्चन है हमारा 27, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 28, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तुर्की ने? क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? सितार को। क्वेश्चन है हमारा 30, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु थे रामानंद। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। क्वेश्चन है हमारा 31, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म मगहर में हुआ था। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 32, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे?
तुकाराम आपके, जहांगीर सम्राट के समकालीन थे, ठीक है। जो भक्त आपके तुकाराम थे, ये जहांगीर मुगल सम्राट जहांगीर के समकालीन थे। क्वेश्चन है हमारा 33, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक आपके शंकराचार्य थे, शंकराचार्य। क्वेश्चन है हमारा 34, क्या है क्वेश्चन? किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया? तो क्वेश्चन नंबर 34 में आपका चैतन्य महाप्रभु, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 35, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी, जिन्हें उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी केसर ए हिंद। क्वेश्चन है हमारा 36, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये थी आपकी मैडम भीकाजी कामा, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 37, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन थे? तो ये थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 38, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? तो 1911 में। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? कई बार हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, तो आप लोगों को बताना है, कमेंट बॉक्स में लिख देना है, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था, किस सन में हुआ था? रद्द आपका 1912 में, 1911 में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 39, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो ये थे आपके सी आर दास। क्वेश्चन है हमारा 40, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खान थे, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 41, क्या है क्वेश्चन? अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना की थी? ये थे आपके बी डी सावरकर, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 42, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो ये थे आपके सरोजनी नायडू। क्वेश्चन है हमारा 43, सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? नरम दल वालों की। 43 में आपका बी होगा। क्वेश्चन है 44, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? तो यह आपका अरविंद घोष का। क्वेश्चन है हमारा 45, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। क्वेश्चन है आपका 46, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ये थे आपके नवाब सलीमुल्लाह खान, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 47, किसने भारतीय आंदोलन का शीश गीत
बना वंदे मातरम, तो ये बना था आपका स्वदेशी आंदोलन का। क्वेश्चन है हमारा 48, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक साहब को। 48 में सी होगा। क्वेश्चन है हमारा 49, लाल पाल बाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो ये हुए थे लाला लाजपत राय। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 50, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन था? सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन था? तो ये था आपका लोथल। क्वेश्चन नंबर 50 में आपका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग अगले 51वां क्वेश्चन। क्या है 51 क्वेश्चन? क्वेश्चन है हमारा, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था ये? जहांगीर ने। क्वेश्चन है हमारा 52, क्या है, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो ये आपकी जहांगीर के। 52 में आपका सी है। क्वेश्चन है हमारा 53, निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? शाहजहां। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 54, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबुलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो ये थे आपके शेरशाह। क्वेश्चन है हमारा 55, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो ये थे आपके मेवाड़। डी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है हमारा 56, इतामाद उद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने। क्वेश्चन है हमारा 57, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको काबुल मक्का कहा जाता है? तो सूरत को। बी ऑप्शन सही हुआ। क्वेश्चन है हमारा 58, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ, दूसरा आपका 1556, तीसरा 1761 में। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 59, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी, किसने बनवाई थी? तो ये था आपका शेरशाह सूरी। क्वेश्चन है 60, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो बुलंद दरवाजे का। पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? पहली लड़ाई आपको याद रखना है 1526 में हुई, और ये हुई थी आपकी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, और जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई ये आपकी 1556 में हुई अकबर और हेमू के बीच। क्वेश्चन है हमारा 62, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन ए इलाही
नामक नया धर्म आपका अकबर द्वारा शुरू किया गया था। डी ऑप्शन सही है 62 में। क्वेश्चन है हमारा 63। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो ये थे आपके अकबर साहब, अकबर। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 64। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो ये थे आपके अकबर के में। क्वेश्चन है हमारा 65। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? मुगल काल की राजभाषा आपकी फारसी थी। क्या थी? बी ऑप्शन सही है, फारसी। क्वेश्चन है हमारा 66। सती पिता की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? ये था आपका अकबर। क्वेश्चन है हमारा 67। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो आपको याद रखना है पानीपत का प्रथम युद्ध, कब हुआ? 1526 में। क्वेश्चन है हमारा 68। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन जीवन कथा लिखी थी? तो ये है अबुल फजल। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 69। हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो याद रखना है गुलबदन बेगम ने। क्वेश्चन है हमारा 70। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना रजमनामा। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 71। क्या है क्वेश्चन है 71? 271वां क्वेश्चन क्या है? अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी थे? टोडरमल। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 72। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? इबादत खाना। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 73। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? शाहजहां ने। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 74। अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक था बैरम खां। क्वेश्चन है 75। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? कन्नौज पर, करनाल पर की थी, दिल्ली, लाहौर, लेकिन कन्नौज पर नहीं की थी। क्वेश्चन है 76। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? बाबर ने। क्वेश्चन है हमारा 77। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास को। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 78। किस मुगल शासक को का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो आपको बता देना है औरंगजेब का। क्वेश्चन है हमारा 79। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है?
सासाराम बिहार में। क्वेश्चन है 80, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में। क्वेश्चन 81, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के। क्वेश्चन है 82, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? तो ये था आपका सिसोदिया वंश, डी ऑप्शन सही है, 82 में आपका डी है। याद रखिए आपकी जिस इस तरह की जो भी PDF होती हैं वो सभी टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड करते रहिए। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो ये था आपका औरंगजेब। क्वेश्चन है हमारा 84, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो ये थे आपके मोहम्मद हुसैन। क्वेश्चन है 85, हल्दीघाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1576 में, हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। क्वेश्चन है 86, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो ये अकबर के। क्वेश्चन 87, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो ये था आपका शेर शाह। क्वेश्चन 88, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? शेर शाह ने। क्वेश्चन है हमारा, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में है। क्वेश्चन है हमारा 90, किस मुगल शासक ने दो बार शासन किया? तो ये था हुमायूं। क्वेश्चन है हमारा 91, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। क्वेश्चन है हमारा 52, क्या है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? विलगाम ग्राम का युद्ध, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 93, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर की समकालीन कौन थी? तो ये थी आपकी रानी दुर्गावती। क्वेश्चन है 94, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? आगरा में। क्वेश्चन है 95, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो ये था आपका औरंगजेब। क्वेश्चन है हमारा 96, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया? पुरंदर। 96 में आपका बी होगा। क्वेश्चन है हमारा 97, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? तो औरंगजेब के समय में। 97 में आपका ए होगा। क्वेश्चन हमारा 98,
दास्तान ए अमीर हमजा का चिंतांकन किसके द्वारा किया गया था? ये थे आपके अब्दुस समद। क्वेश्चन नंबर 98 में आपका डी होगा। क्वेश्चन है हमारा 99, ईरान के शाह हैं और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। क्वेश्चन है हमारा 300 का, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? शेरशाह ने। 300 भी क्वेश्चन में आपका सी होगा। चलिए तो हम लोग 100-100 क्वेश्चंस करके देख रहे हैं, तो अभी तक हम लोग 300 क्वेश्चंस देख चुके हैं। 301 से हम आगे बात करेंगे, ठीक।